रिपेयर कराए हो? मोबाइल फ़ोन रिपेयर कराए हो? तुम क्या कराए हो ये सब पूछ रहे हैं? क्यों तो गए? सर बाबा, मोबाइल फ़ोन रिपेयर कराने में ज़्यादातर चांस रहता है कि मैकेनिक हमको लूट लेगा, हाँ, क्योंकि सामान का रेट तुमको थोड़ी मालूम रहता है। तो एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, MXBHI, हाँ, MXB.com। अभी मोबाइल पे सर्च करोगे क्रोम पे या गूगल पे जा करके, तो जैसे ही सर्च करोगे ना तो इस तरीके का वेबसाइट खुलेगा। देखो इस तरह का वेबसाइट खुलेगा, क्या सर? MXBHI, बस इतना ही लिख के सर्च कर दो MXBHI, सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगा। इसको खोल लेना है, क्लिक करके सबसे ऊपर वाला लिंक खोल लेना है, ठीक है। अब जौन सा भी मोबाइल है, अभी थोड़ा सा सर्विस इसका डाउन है, खोलेगा तो मैं दिखाऊंगा, है ना। जिस कंपनी का फ़ोन है वो कंपनी पे टैप करो, है ना, फिर उससे संबंधित सारे, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मेरा वन प्लस का फ़ोन है, मैं वन प्लस कंपनी पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, अपनी फ़ोन की कंपनी को यहाँ चूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं वन प्लस को चूज़ कर लेता हूँ, चलो ये आ गया। अब वन प्लस में देखो मॉडल आ गए अलग अलग, आपका कौन सा मॉडल है यहाँ पर चूज़ करो, जो भी फ़ोन है आपका उसमें मॉडल कौन सा है। चलो वन प्लस नोट चूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, चलो ये चूज़ करें। अब इससे संबंधित इसमें जो जो कंपोनेंट अंदर यूज हुए हैं सारे कंपोनेंट इसमें दिखेंगे, उसका रेट भी दिखेगा, ठीक है। तो जिस चीज़ से भी आप रिपेयर करा रहे हो, जिस चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हो, उसका आप रेट यहाँ से देख सकते हो कि मेरे फ़ोन में क्या चीज़ चेंज हुई है या क्या चीज़ रिपेयर हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सिम स्लॉट पे देखो टैप करता हूँ, सिम स्लॉट पे, सिम कनेक्टर पे मैंने टैप किया है, साइट थोड़ा सा स्लो चल रही है अभी नेट की कनेक्टिविटी की वजह से, ये आ गया, ये 339, 339 रुपये का है ये कनेक्टर। अब हमको रेट पता हो गया ना, अब हमसे वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 चार्ज कर सकता है, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि उसमें वो अपना रिपेयरिंग चार्ज जोड़ेगा, वो हमको अलग से देना होगा, गलत नहीं करना है किसी के साथ, उसका रिपेयरिंग चार्ज देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप रेट देख सकते हैं अपने फ़ोन का, कोई भी कंपोनेंट का, ठीक है, जिससे लूटने से बच जाता है व्यक्ति। अच्छा, जो भी मॉडल सेलेक्ट करोगे ना, बना लिए ना, रिकॉर्ड हो रही स्क्रीन, स्क्रीन और वॉइस रिकॉर्ड हो रही मेरी, हाँ ये चल रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। इसमें स्क्रीन मिल जाएगा, टच स्क्रीन, जितने भी कंपोनेंट फ़ोन में लगे हुए हैं सारे कंपोनेंट इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ सर जा करके आप रेट देख सकते हैं और उस रेट के आधार पर अपना मोबाइल रिपेयर करा सकते हैं। आप बात कर सकते हैं कि भैया इतना का तो ये सामान डाला आपने, फिर इतना महंगा चार्ज क्यों ले रहे हो। मान लीजिए 400-500 आप अपना रिपेयरिंग चार्ज भी जोड़ोगे तो इतना होता है, तो वहाँ पर आप बात कर सकते हो और सही रेट में अपना फ़ोन रिकवर कर सकते हो, रिपेयर करा सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका भी मेहनताना मारना नहीं है, जो भी उसका रिपेयरिंग चार्ज है उसको दे दो, 200-400 जो भी है। लेकिन क्या है, मिस्त्री थोड़ा सा है, होते हैं उस टाइप के, है ना, कि बहुत चार गुना बता करके लोगों को लूटने को उससे, तो ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से कोई भी कंपोनेंट आप देख सकते हो अपने फ़ोन का, फ़ोन के अलावा और भी चीज़ें रहती हैं। होम पे देखते हैं, होम पे चले जाते हैं, इस वेबसाइट के होम पे चले जाते हैं, होम पे जाएंगे तो सारी कंपनियाँ आएंगी, जो भी कंपनी का आपका प्रोडक्ट है उस कंपनी पे हमको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं HP पे क्लिक करता हूँ, इस बार HP पे क्लिक करता हूँ, तो HP पे देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। HP का ये हमारे पास टैब आ गया है, इसमें शायद लैपटॉप वगैरह भी हो, ज़्यादातर टैब मोबाइल फ़ोन भी आ गए हैं। HP टच स्मार्ट
ये एक लैपटॉप की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट है आपका पार्ट लगे सब आ जाएगा, सब आ जाएगा उसके अंदर, जितने प्रोडक्ट पार्ट्स लगे हुए हैं, कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, छोटे से छोटा कंपोनेंट भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ से प्राइस का पूरा नॉलेज ले सकते हैं और एक अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ एप्पल का भी प्रोडक्ट है। देखिए एप्पल पे हमने टच किया एप्पल आईफोन 11 पे मैंने ट्रैप किया, ये आ गया, ठीक। अब देखो इसमें जितने कंपोनेंट होते हैं, हाउसिंग, बैक कवर, कैमरा लेंस, फ्रंट ग्लास लेंस, वॉल्यूम बटन, छोटे छोटे वॉल्यूम बटन जो होते हैं, एलसीडी फ्रेम, बैटरी, पावर बटन, फ्लैक्स केबल, वॉल्यूम बटन, फ्लैक्स केबल, बैक कैमरा, मतलब हो सकता है आपका कैमरा डैमेज हो जाए तो आप चेंज करा सकते हैं, बैक कैमरा है ना, चार्जिंग कनेक्टर, पीसी बोर्ड, ईयर स्पीकर, फ्लैक्स केबल, फ्रंट कैमरा। अच्छा यहाँ से लोग सामान मंगा भी सकते हैं, मंगाने का भी ऑप्शन, हाँ। हाँ तो ये ओरिजिनल ऐसे ही प्राइस रहते हैं, वो रिपेयर कराओगे तो कई गुना ज़्यादा ले लेता है मैकेनिक पैसा। साइट थोड़ा स्लो है लेकिन बहुत ही काम की वेबसाइट है ये, है ना। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं और अपना फ़ोन यदि रिपेयर कराने जा रहे हैं तो इससे बहुत मदद मिल जाएगी आपको, आपको जो भी आप कंपोनेंट चेंज करा रहे हैं उसका रेट आपको मिल जाएगा, ऊपर जो भी उनका रिपेयरिंग चार्ज होता है वो दे करके आप अपना आसानी से फ़ोन रिपेयर करा सकते हैं।